जो कंपैरिजन क्या है मैं भी प्यार मिला जनता भी समर्थन मिला कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर जो है जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी MLA सभी कार्यकर्ता सभी मेरे युवा साथी सेवा दल हमारे अग्रिम समर्थन के सारे साथीगण उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जोधपुर के लोकसभा क्षेत्र के पूरे क्षेत्र से जो आम जन पहुंचे हैं आज स्टेशन में मुझे लगे मैं उन सबको एक तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ने मुझे इतना प्यार और समर्थन दिया, उसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती है और ऐसे में जब कई तरह की लहर की स्ट्राइक की बातें की जाती है तब एक बॉर्डर जोधपुर के अंदर आप पूरे पूरे विश्वास पे कांग्रेस पे विश्वास करते हैं तो कैसे लेंगे इस बार? हर चुनाव एक चुनौती होता है, कितना ही छोटा चुनाव हो कितना ही बड़ा चुनाव हो कहीं भी चुनाव हो हर चुनाव एक चुनौती है और हम इस चुनौती का सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता न केवल जोधपुर में बल्कि पूरे राजस्थान में हम अच्छे सीटों पर मुकाबला करेंगे। स्ट्रेटजी से आपका इलेक्शन क्या रहेगा सर? स्ट्रैटेजी ये है जो सभी सीनियर लीडर जोधपुर जिले के सारे MLA सारे विधायक जो प्रत्याशी हमारे उम्मीदवार उन सबके संगठित होके पूरे कार्यकर्ताओं को ब्लॉक अध्यक्षों को अग्रिम संगठन को लेके हम पूरे कोशिश करेंगे सब जनता तक पूरे आम नागरिक तक हम पहुँचे और उनसे अपील करें कि हमें अपना समर्थन हमें। ये चुनाव जो है 20 साल वर्सेस 5 साल माना जा रहा है, आप 20 साल से सक्रिय है और 5 साल से बिल्कुल मंत्री, उससे पहले कभी बीजेपी भी नहीं थे सिर्फ RSS की प्रश्न थी, आपको लगता है कि आपके अनुभव का आपको लाभ मिलेगा? नहीं, मैं 20 साल नहीं, मैं 15 साल से सक्रिय हूँ। मैं 2003 में जब मेरे पिताजी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था जोधपुर से विधानसभा और सभापुरा से, तब से मैं कॉलेज खत्म करके आया था, तो 2003 से लगभग 20 साल का नहीं, पर मैं तमाम कार्यकर्ताओं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पहुँचे और हम अच्छे संगठित तरीके से मुकाबला करेंगे। आधे से कौन घंटा लेके बाहर आने से इतना प्यार मेरी, मैंने आपको कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए और मेरे सभी सीनियर लीडर्स यहाँ पे आए, मैं इन सबका भी बहुत तहे दिल से आशीर्वाद चाहूँगा तमाम सीनियर लीडर्स का जो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में है, तमाम मेरे बड़े बुजुर्गों का और मेरे युवा साथियों को भी धन्यवाद और विशेष तौर पर माता बहनें, इस गर्मी में पढ़ाई यहाँ पे मैं सभी तमाम माता बहनें और छोटे बच्चे जो आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।